गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम इस लेक्चर में एसिड और बेस के बारे में जानकारी लेंगे। अरहेनियस द्वारा दिए गए डेफिनेशन के बेसिस पे हम एसिड को हाइड्रोजन आयन के जनरेशन के बेसिस पे समझ सकते हैं। जब एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो अगर वह हाइड्रोजन आयन देता है तो वह अरहेनियस एसिड कहा जाएगा। यदि बेस जो कि हाइड्रोक्सन आयन प्रोड्यूस करता है अगर पानी में डिसॉल्व कर दिया जाए तो उसको अरहेनियस बेस कहा जाएगा। कंडीशन एक है कि बेस और एसिड को वाटर में एज अ सॉल्वेंट ही ट्रीट किया जाएगा। इसके बाद ब्रोनस्टीन और लोरी ने अरहेनियस के एक्सप्लेनेशन को बिल्डअप किया और एक एसिड और बेस के कंसेप्ट को नई तरीके से एक्सप्लेन किया। उन्होंने बताया कि एसिड और जो बेस है वह हाइड्रोजन आयन के एक्सेप्टेंस, जिसको यानी प्रोटॉन के आयन के एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, तो यदि वह प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है और प्रोटॉन को डोनेट करता है तो इसके बेसिस पे भी नए तरीके से एसिड और बेस को एक्सप्लेन किया जा सकता है। एसिड कौन होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं वो एसिड कहलाते हैं। और बेसिस कौन होते हैं? जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। प्रोटॉन का मतलब यहाँ पे एच पॉजिटिव से है। यदि एच पॉजिटिव को एक्सेप्ट करने वाला सब्सटेंस, अगर वो एच पॉजिटिव को एक्सेप्ट करता है कोई भी सब्सटेंस, तो ब्रोनस्टीन और लोरी के बेसिस पे उसे एसिड कहा जाएगा। एक्सेप्ट करने वाले को हम बेस कहेंगे और डोनेट वाले को, करने वाले को हम प्रोटॉन कहेंगे। और इन्हीं के बेसिस पे एक ऐसा कंसेप्ट सामने आया, उन्होंने कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयरिंग को भी समझाया। ब्रोनस्टीन लोरी जो है, उन्होंने प्रोटॉन के बारे में, जिसमें कि आसानी से इसको रिमूव किया जा सकता है, उसके बारे में बताया। इसी के आधार पर ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी एबिलिटी चाहे वो एसिड की हो या बेसिस की, दोनों की अगर होती तो उसको हम बोलते हैं, उसको कंसिडर किया गया है एम्फीप्रोटिक। कुछ एग्जांपल्स हैं एम्फीप्रोटिक सब्सटेंसेस के, जो कि HCO3 नेगेटिव, जो एच पॉजिटिव गेन भी कर सकता है और एच पॉजिटिव डोनेट भी कर सकता है। HSO4 नेगेटिव, जो डोनेट भी कर सकता है और एक्सेप्ट भी कर सकता है। एयर और वाटर की बात करते हैं। ब्रोनस्टीन और लोरी के अकॉर्डिंग वाटर फंक्शंस एज अ बेस बाय रिमूविंग एच पॉजिटिव फ्रॉम द एसिड। कंसिक्वेंटली द एसिड प्रोड्यूसेस अ कॉन्जुगेट बेस एंड हाइड्रोनियम आयन। अगर हम पानी में HCl को ऐड कर देते हैं तो हमारे सामने देखने को मिल रहा है तो कि वाटर ने एच पॉजिटिव जो कि HCl में था उसको गेन कर लिया और HCO पॉजिटिव बना दिया और Cl नेगेटिव निकल गया। यहाँ पर वाटर का जो केस है वो क्या है, इसने रिमूव किया एच पॉजिटिव आयंस कहाँ से, एसिड से। तो इसका मतलब है एसिड प्रोड्यूस कंजुगेटेड बेस, तो एसिड की वजह से एक कंजुगेटेड बेस डेवलप हुआ, तो उसे हम कहते हैं कि ब्रोनस्टीन और लोरी का कंसेप्ट। इसका मतलब है अरहेनियस ने और ब्रोनस्टीन लोरी ने एसिड बेस को समझने के लिए अपने अपने अलग अलग तरीके से कंसेप्ट प्रोड्यूस किए। अब हम बात करते हैं लुईस एसिड एंड बेस की बात करते हैं। लुईस जो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एडिशनल इलाबोरेशन किया जो एग्जिस्टिंग डेफिनेशंस थी। उन्होंने कहा कि बेस एक ऐसा सब्सटेंस होगा जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा और एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होगा जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। इससे पहले हम प्रोटॉन के एक्सेप्टेंस और प्रोटॉन के डोनेशन की बात कर रहे थे, लेकिन लुईस ने उस कंसेप्ट को इंटायरली डिफरेंट वे में प्रस्तुत किया एंड ही फाइंड आउट दैट द सब्सटेंसेस विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर्स और विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर्स। मतलब क्या है कि अगर दोनों आपस में सिचुएशन एक्सेप्टेंस और पेयरिंग डोनेशन की रहती है इलेक्ट्रॉन पेयर की, तो इस कंडीशन पे हम इसे एक अडक्ट के रूप में समझ सकते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास एक एसिड था और दूसरा था बेस, और डेफिनेटली एक लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा और एक लोन पेयर डोनेट करेगा। तो इस कंडीशन में लुईस ने यह समझाया कि जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है लुईस बेस का, विल इंटरैक्ट विद द लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और उसी के बेसिस पे इलेक्ट्रॉन पेयर का जो कंसेप्ट है वो सामने आया और एक अडक्ट जो बना, वह जो अडक्ट बना है
जैसे यहाँ पे एक ए भी एक अटैक्ट बना है, तो वो क्या हुआ, उसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो गई। यहाँ पर हम होमो और लोवो का केस देख रहे हैं, और एक एसिड और बेस हमारे सामने यहाँ मिल रहा है, और इन दोनों के बेसिस पे इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन हमारे सामने दिखाई दे रहा है। बेस के पास एक एक्सेस अमाउंट में लोन पेयर होगा, जिसको हम हाइस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे, और जो कॉम्प्लेक्स हमें मिल रहा है, जो अटैक्ट मिल रहा है, वो अटैक्ट की जो एनर्जी होगी फाइनली वो एनर्जी लोअर एनर्जी लेवल होगा। इफ़ देयर इज़ अ डिक्रीज इन एनर्जी, द अटैक्ट इज कंसिडरेबली कंसिडर्ड एज अ स्टेबल वन। तो फाइनली अगर जो प्रोडक्ट हमें मिलता है उसकी एनर्जी कम होती है उस केस में, तो उसको हम उस अटैक्ट को हम बोलेंगे स्टेबल। और क्योंकि हम जानते हैं स्टेबिलिटी और एनर्जी दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इट कैन बी इजली डिफाइंड बाई द इलस्ट्रेशन। जो हमारे पास ये सिस्टम है, इसके माध्यम से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन डोनेशन और पेयरिंग के बाद, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस के बाद जो प्रोडक्ट बनता है, अटैक्ट बनता है, उसके बारे में समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस की बात करते हैं। कॉन्जुगेट जो टर्म है, दैट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कॉन्जुगर, जिसका मतलब होता है टू जॉइन टुगेदर। कॉन्जुगेट का मतलब होता है टू जॉइन टुगेदर। ऐसे रिएक्शन जो जिसमें एसिड और बेस हमेशा एक नए रिएक्शन करने के बाद कुछ नए प्रोडक्ट की तरफ हमें देखने को मिलते हैं, तो वो कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस होंगे। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, एसिड और बेस की जब रिएक्शन होती, खास तौर पे यहाँ पे एसिड हमने लिया HNO2 और बेस लिया है जो वाटर के टर्म्स में, बिकॉज जो बेस है वो एच पॉजिटिव को ऐड करेगा। तो ऐड करते ही एच पॉजिटिव एक हमें एसिड मिल रहा है, जिसको हम कॉन्जुगेटेड एसिड बोलेंगे, क्योंकि उसमें एच पॉजिटिव ऐड हुआ है। और एसिड से अगर हम देखते हैं कि एच को रिमूव कर देते हैं, जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसको हम कॉन्जुगेटेड बेस कहेंगे। किसी को जोड़ने से जो हमें मिला है, ज्वाइन करने से जो चीज़ें मिल रही हैं, उस कंडीशन में हम यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि HNO2 में एच पॉजिटिव रिमूव हुआ तो NO2 नेगेटिव मिला, और H2O में एच पॉजिटिव ऐड हुआ तो हमें मिला कॉन्जुगेटेड एसिड। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस डिपेंड करता है कि उसकी कितना डिसोसिएशन हुआ होगा। पावरफुल एसिड अंडरगो टोटल डिसोसिएशन व्हेन मिक्स्ड विद वाटर। वीक एसिड बेसिकली पार्शियल डिसोसिएशन होता है एक्वा सॉल्यूशन में इनका। देयर कॉरस्पॉन्डिंग बेसिस एग्जिबिट लो बेसिसिटी। H2O इज अ फार मोर पोटेंट बेस कंपेयर टू द क्लोरीन, रिजल्टिंग इन इक्विलिब्रियम दैट इज स्ट्रॉन्गली फेवर्ड द राइट साइड। अगर हम बात करते हैं, द वैल्यू ऑफ K इज नॉट लिस्टेड बिकॉज इट इज़ मच ग्रेटर देन दैट ऑफ 1। यहाँ पे H2O जो है, अगर उसमें HCl को हम ऐड करते हैं, तो H2O H3O पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है और Cl नेगेटिव यहाँ पर एक्वस फॉर्म में मिलता है हमें। तो जो HCl है, इसका टोटल डिसोसिएशन हुआ, तो हम इसे कहेंगे पावरफुल एसिड। तो पावरफुल एसिड टोटल डिसोसिएशन इसका हो जाता है। अब हम बात करते हैं HSAB थ्योरी के बारे में, जिसको हम हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस की थ्योरी कहते हैं। किसी भी एसिड और बेस को की जो रिएक्टिविटी होती है, वो इन्फ्लुएंस्ड होती है एसिड और बेस की पोलराइजेबिलिटी के ऊपर। मीन्स द पोलराइजेबिलिटी ऑफ एन एसिड और बेस, इट इन्फ्लुएंसेस इट्स रिएक्टिविटी। हार्ड बेस एसिड और हार्ड बेस आर करेक्टराइज्ड बाई देयर स्मॉल साइज, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर एंड लैक ऑफ पोलराइजेबिलिटी। यानी जो हार्ड एसिड होंगे उसका स्मॉल साइज होगा, उनका स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट होगा, उनमें पोलराइजेबिलिटी की कमी होगी। उसी तरीके से हार्ड बेस भी वही रहेगा और हार्ड एसिड की मिनिमम करेक्टराइजेशन यही रहेंगी। सॉफ्ट एसिड और बेस का जस्ट इसके अपोजिट होगा, उनके जो साइज होंगे वो ज़्यादा होंगे, ग्रेटर द साइज एंड अ मोर स्प्रेड आउट डिस्पर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि पोलराइजेबिलिटी होगी नहीं, इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्शन होगा। ये इसकी मेन डेफिनेशन है कि हार्ड एसिड किसे कहेंगे और हार्ड बेस किसे कहेंगे। हार्ड एसिड एग्जिबिट्स अ टेंडेंसी टू सेलेक्टिवली रिएक्ट विद हार्ड बेसिस। तो हार्ड एसिड जो होंगे हमेशा हार्ड बेस के साथ रिएक्शन करेंगे, और जो सॉफ्ट एसिड होंगे वो सॉफ्ट बेस के साथ रिएक्शन करेंगे। उसी तरीके से सॉफ्ट एसिड की टेंडेंसी सॉफ्ट बेस के साथ रिएक्शन की होगी, जो हमने बात करी, जो कि एक तरह दूसरे के जो इनहेरेंट टेंडेंसीज हैं उसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ है उसके बारे में बात कर सकते हैं कि
एसिड सॉफ्ट बेस के साथ रिएक्शन करेगा और हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ रिएक्शन करेगा। अगर हम बात करते हैं एग्जांपल सोल्युबिलिटी इन वाटर सिल्वर हैलाइट, तो AgX रिएक्शन करने लगा H2O के साथ, तो हमें मिला HAg पॉजिटिव और X नेगेटिव। और हम उसकी कॉम्पैक्टनेस और उसकी रिलेटिव स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन के बीच में भी हार्ड एसिड और हार्ड बेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और हमने जैसे ही पहले कहा ये पोलराइजेबिलिटी एग्जिबिट करते हैं। और अगर हम बात कर रहे हैं हैलाइड्स की, तो हैलाइड्स यहाँ पे है एफ नेगेटिव स्ट्रॉन्ग बेस है, जबकि मेटल चाहे वो एलाई है वो स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर सकता है। तो पोलराइजेबिलिटी के बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो आयंस जिनका लार्ज और हाई डिग्री ऑफ पोलराइजेशन होते हैं आर क्लासिफाइड एज सॉफ्ट। आयोडाइड इज क्लासिफाइड सॉफ्ट बेस, वाइल ट्रांजिशन मेटल्स विद लो चार्ज डेंसिटी लाइक AgR करेक्टराइज एज सॉफ्ट एसिड्स। तो सिल्वर के टर्म्स में अगर हम देखते हैं Ag पॉजिटिव को हम सॉफ्ट एसिड कंसिडर कर रहे हैं और Ag और आयोडाइड को हम सॉफ्ट बेस करते हैं कंसिडर, तो इनका जो प्रोडक्ट बनेगा AgI वो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। हार्ड एसिड्स हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स और विद हार्ड बेसिस, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। जैसे हमने एग्जांपल लिया था सिल्वर का आयोडाइड के साथ, सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस का जो बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग होगा और हार्ड एसिड का हार्ड बेस के साथ जो बॉन्ड होगा उस वो स्ट्रॉन्ग होगा। सॉफ्ट एसिड हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड विद सॉफ्ट बेसिस यूटिलाइजिंग द हार्ड सॉफ्ट और एसिड बेस टेक्निक टू डिटरमाइन द सॉल्युबिलिटी और ऑफ सिल्वर फ्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर लिथियम फ्लोराइड, लिथियम आयोडाइड। तो इसको हम आसानी से ये समझ सकते हैं कि अगर जो ईजिली जिस कंडीशन में कोई प्रोडक्ट बन रहा है सील और सॉफ्ट और एसिड और हार्ड बेस का, तो वो इजीली डिसोसिएट हो जाएगा और सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस का जो प्रोडक्ट जो हमारे पास सब्सटेंस है वो इजीली फाइनली अगर देखें तो वह इजीली डिसोसिएट नहीं होगा, क्योंकि उसकी बॉन्ड में उसके बीच में जो बॉन्ड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे। हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं हार्ड एसिड और हार्ड बेसिस में। तो हार्ड एसिड्स के हमारे पास एग्जाम्पल हैं H पॉजिटिव, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बॉर्डरलाइन जो एसिड्स होती हैं उसमें और सॉफ्ट एसिड में जो डिफरेंस है वो देखते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, दीज आर हार्ड एसिड्स और बेरिलियम के फ्लोराइड्स, क्लोराइड्स और जो अल्कोक्साइड्स हैं वो हार्ड एसिड्स होते हैं। ब्रोमीन के जो हैलाइड्स हैं और जो उसके ट्राई अल्काइल्स हैं वो हमेशा बॉर्डरलाइन एसिड्स में कंसिडर किए जाते हैं। उसी तरीके से जो ब्रोमीन है, बोरोन है, बोरोन का जो बेसिकली हाइड्रोजन्स हैं इसको बोरोन ही बोलते हैं, तो वो क्या होगा सॉफ्ट एसिड में आएगा। TL, TLCS3 का होल थ्राइस, ये सब सॉफ्ट एसिड में होंगे। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से के जितने ही प्रोडक्ट्स होंगे वो हार्ड एसिड में कंसिडर किए जाएंगे। क्रोमियम, मैगनीज, आयरन, कोबाल्ट, दीज ऑल आर कंसिडर्ड एज अ हार्ड एसिड्स। और आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, रोडियम, इरिडियम, रोडियम, ऑस्मियम, ये सब बॉर्डरलाइन एसिड्स होंगे। कॉपर, सिल्वर, AU, कैडमियम, मरकरी के टू पॉजिटिव, डाईमरकरी जो हमारे पास है, Hg2 पॉजिटिव, Pd2 पॉजिटिव, Pt और Pt4 ऑल आर सॉफ्ट एसिड्स। और SO3 हमेशा हार्ड एसिड होगा और SO2 बॉर्डरलाइन एसिड होगा। अगर हम बात करते हैं बेसिस की, तो बेस में बॉर्डरलाइन ब्रोमीन रहता है जबकि फ्लोरीन क्लोरीन हार्ड बेस रहता है। एच नेगेटिव और आई नेगेटिव जो है वो सॉफ्ट बेसिस होंगे। वाटर हार्ड बेस में भी कंसीडर किया जाता है और OH नेगेटिव, O2 नेगेटिव, दीज आर हार्ड बेसिस। ROH, RO नेगेटिव, R2O, CH3CO नेगेटिव, ये हार्ड बेसिस होंगे। NO3 नेगेटिव, CLO4O नेगेटिव हार्ड बेसिस होंगे। नाइट्रोजन्स के NO नाइट्राइड जो है NO2 नेगेटिव, N3 नेगेटिव, N2, ये सब बॉर्डरलाइंस होंगे। और जहाँ पर अगर हम कार्बोनेट्स की बात करें, सल्फेट्स की बात करें, फॉस्फेट्स की बात करें, दीज आर हार्ड बेसिस। अमोनिया और ये सब हार्ड बेसिस होंगे। पिरिडीन जो है वो होगा बॉर्डरलाइन केस। और यहाँ पर हम देख सकते हैं H2S, HS नेगेटिव, H2, दीज ऑल आर सॉफ्ट बेसिस। मीन्स इफ यू कंबाइन दीज सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेसिस तो इसके बीच में एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। अगर इसके अपोजिट हम करेंगे तो इसमें बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी।
ये दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर. इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गुरुकुलम ज्योति, और इसको सब तक पहुँचाएँ. धन्यवाद.